अब क्वेश्चन हमारे पास जो मौजूद है, क्वेश्चन नंबर नाइन वो क्या है हमारे पास, 21 - 21 x6 y 9 3 x² y 5। ये आप लोग खुद से सॉल्व करना है, पहले इन दोनों को सॉल्व कर दें, उसके बाद की बेस ऊपर इनको प्लस माइनस कर दें, बेसिस तो आप लोग खुद से सॉल्व करना है, तो इसका आंसर आप खुद से लिखेंगे। अगला हमारे पास क्वेश्चन मौजूद है क्वेश्चन नंबर टेन है m प्लस एन इसके ऊपर पावर है 7, p प्लस क्यू इसके ऊपर पावर मौजूद है 5। अब नीचे मौजूद है m प्लस एन इसके ऊपर पावर है 6, p प्लस क्यू इसके ऊपर पावर कितनी है 2। ठीक है, अब ये ऊपर चले जाएगा तो अब जब देखते हैं कितना, जैसे a के ऊपर पावर 7 है, नीचे a के ऊपर 5 है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं a के ऊपर पावर 7, ये जब ऊपर जाता है तो हम कहते हैं जनाब a के ऊपर पावर -5, जब पावर ऊपर जाती है तो माइनस में हो जाती है। फिर क्या करते हैं हम a के ऊपर पावर 7 प्लस, क्योंकि बेस सेम होती है तो पावर्स आपस में, रूल क्या है हमारे पास से, बेस सेम होगी, व्हेन बेसिस आर सेम जब बेस सेम होगी तो पावर्स विल बी एडेड जब हम बेस सेम होगी तो पावर्स को ऐड कर दें। तो ये इसका -5 जो है, माइनस जो है वो 5 के साथ अलग से है, तो फिर क्या होता था a के ऊपर पावर 7 प्लस माइनस और फिर क्या आ जाता है प्लस माइनस होगा, फिर ये आ जाता था, फिर यहाँ पर क्या होगा 7 - 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7 - 5 2, ये हमारा आंसर होता था। अब यहाँ पर m प्लस एन ये पूरा इसको सपोज कर लेंगे a है, अब a ऊपर है a नीचे है, तो m प्लस एन 7 है, ये ऊपर आके क्या हो जाएगा -6, ठीक है, 6 ऊपर आकर इसके साथ माइनस हो गया, डायरेक्ट हमने कर दिया, हमने बीच के ये दो स्टेप छोड़ दिए, क्योंकि मैंने आपको समझाने के लिए बिल्कुल, ताकि आपकी बेस बिल्कुल ठीक बने, इसलिए एक एक स्टेप करके आपको दिखाया था। अच्छा जी, उसके बाद पी प्लस क्यू है, पी प्लस क्यू यहाँ पर ऊपर जो है पावर 5 में है और नीचे पावर, ऊपर 5 में है नीचे पावर 2 में है, इसको हम b सपोज करते हुए b के ऊपर 5 हो और नीचे b के ऊपर जो है वो 2 हो, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जाएगा तो 5 - 2 हो जाएगा, ऊपर जाके पावर क्या हो जाएगी माइनस में हो जाएगी, तो हम क्या करेंगे के 5 - 2 कर दें, तो अब आंसर हमारे पास क्या होगा m प्लस एन 7 - 6 कितने हो गए हमारे पास, बच गया 1, लिख भी लें या ना भी लिखें कोई मसला नहीं है, क्योंकि अगर कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब है पावर 1 मौजूद है, 1 के अलावा -1 हो तब भी लिखेंगे, 0 हो तब भी लिखेंगे, +1 हो तब भी लिखेंगे, बस 1 नहीं लिखते, अगर कुछ नहीं है तो हम, हमको पता है कि यहाँ पर 1 मौजूद है, तो p प्लस क्यू यहाँ पर हो गया 5 - 2 कितने हो गए 3, ये हमारे पास आंसर हो, ठीक है, तो ज़रा इसको समझ लीजिएगा, मैंने जो स्टेप जो है वो स्किप करें वो मैंने आपको इधर समझा दिए, ये आपको समझाने के लिए थे ताकि मैं आपको आपकी बेस जो है वो स्ट्रांग मिले, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन मैं एक्सरसाइज में से करवा दूँ, क्वेश्चन नंबर 11 वो मौजूद है -20 2p - 3q इसके ऊपर पावर है 12, 4 - 3r इसके ऊपर पावर है क्यूब, पावर 3 को हम क्यूब कहेंगे, -4 2p - 3q इसके ऊपर पावर है 9 और 4 - 3r इसके ऊपर पावर कुछ भी नहीं है यानी 1 है, ठीक है, मैंने आपको बताया था कुछ भी नहीं होगा तो पावर 1 होगा, देखिए अगर a के ऊपर पावर 0 भी होगा ना 0 भी होगा तब भी हम लिखेंगे, इसका मतलब है 1, वो क्यों 0 का मतलब 1 क्यों होता है, पावर अगर 0 तो 1 क्यों होता है, ये मैं आपको बता दूंगा आगे अगली एक दो क्लासेस के अंदर। अब यहाँ पर जो है वो a के ऊपर पावर -1 भी लिखा जाएगा, a के ऊपर 2, 3 कुछ भी होगा लिखा जाएगा, मगर अगर a लिखा हुआ इसका मतलब है इसके ऊपर क्या मौजूद है, a लिखा हुआ इसका मतलब मौजूद है इसके अंदर पावर ऊपर 1 है, यहाँ कुछ लिखा हुआ इसका मतलब पावर 1 मौजूद है, हम इसको सिंपल सॉल्व, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 - 1 और 4 हमारे पास 5 - 20 हो गया, ठीक है जी। अब हम आंसर लिखते हैं इसके अंदर सॉल्व करते हैं, हमारे पास क्या बच गया जनाब 5 2p - 3q 12 4 - 3r 3 2p - 3q इसके ऊपर 9 और 4 - 3r इसके ऊपर कोई पावर। अब देखिए इसको a सपोज कर ले, ये पूरा जो है वो एक पूरा का पूरा ये बेस है, ये पावर है, ये इसके नीचे को सेम बेस है,
समझ लो इसको ए सपोज कर लें कि पूरा ए है, ए के ऊपर पावर 2 है यहाँ पर, सॉरी 12 है यहाँ पर, और यहाँ पर ए के ऊपर पावर 9 है। अब जब हम इसको लेकर आएंगे तो इसमें से माइनस हो जाएगा, हम कैसे लिखेंगे, ऐसे 5 2p माइनस 3q 12 माइनस 9। इसी तरह से इसके साथ भी करेंगे, समझ लो b है, b के ऊपर पावर 3 और यहाँ पे b के ऊपर पावर 1, तो हम कैसे लिखेंगे बिल्कुल इस तरीके से, 4 माइनस 3r, ऊपर पावर 3 है नीचे 1 है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी पावर माइनस में। तो अब हमारे पास क्या आंसर आ गया, 5 2p माइनस 3q, 12 में से 9 निकाले तो क्या बच गए 3, और यहाँ पर 4 माइनस 3r, 3 में से 1 निकाले तो कितने बच गए 2। ये हमारे पास आंसर हो। अब अगला क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ये भी आप खुद से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 2.3 का इख्तिताम होता है।